बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके हैं ग्रीन चिली पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार होता है और बहुत ही कम इसमें अज्जा इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रीन चिली पुलाव जो है वो किस तरह तैयार होगा और उसके लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ग्रीन चिली पुलाव के लिए हमें थोड़ा सा फ्रेश लहसुन चाहिए था, जो कि हम उखाड़ लेंगे यहाँ से अपने खेत से। ग्रीन चिली पुलाव के लिए तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके हम लोग ले आए हैं और अभी बनाना शुरू करते हैं। ग्रीन चिकन चिली पुलाव के लिए सबसे पहले हम गोश्त को जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। गोश्त को डाल लेंगे खुले बर्तन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी हम मैरिनेशन के लिए चीज़ें जो है वो तैयार कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अदरक को कूट लेंगे, अदरक के साथ ही हम लहसुन को भी कूट लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अदरक लहसुन को कूट के इसका पेस्ट हमने बना लिया। चिकन के साथ अभी हम शामिल कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा लीमू का रस, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम इसमें जीरा शामिल कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा शामिल कर लेंगे दही, बिस्मिल्लाह। और अभी इन तमाम चीज़ों को चिकन के गिर्द अच्छी तरह लगा लेंगे। चिकन के गिर्द अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और लीमू लगाने के बाद अभी हम इसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए साइड पे। गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रख दिया और अभी जलाते हैं चूल्हे में आग, बिस्मिल्लाह। चूल्हे में आग हमने जला लिया और देखते को रखते हैं चूल्हे पे, बिस्मिल्लाह। देखिए हमें डाल लेंगे घी, बिस्मिल्लाह। जब तक घी गर्म होता है तब तक हम प्याज जो है वो काट लेते हैं, बिस्मिल्लाह। प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। बिस्मिल्लाह, घी गर्म हो गया और अभी हम देखते हमें डाल लेते हैं प्याज, बिस्मिल्लाह। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक जो है हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे फ्रेश लहसुन, बिस्मिल्लाह। फ्रेश लहसुन का हम सफेद हिस्से के अलावा सब्ज हिस्सा जो है वो भी हम काट लेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया और अभी हम इसमें शामिल कर लेते हैं फ्रेश लहसुन, बिस्मिल्लाह। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। टमाटर काट लेंगे, बिस्मिल्लाह। फ्रेश लहसुन को भी हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया और अभी हम शामिल कर लेंगे टमाटर। टमाटर को भी नरम होने तक जो है फ्राई कर लेंगे।
और अगर हम साथ ही इसमें डालेंगे मिक्स गर्म मसाला और खड़े मसाले, जिसमें टमाटर को भी नरम होने तक फ्राई कर लिया और अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाह, और अभी चिकन को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन के तैयार होने तक अभी हम काट लेंगे सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह, और सब्ज मिर्च जो है वो हम थोड़ी लंबी लंबी रख के काटेंगे। कुछ इस तरह गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया और गोश्त के साथ अभी हम शामिल कर लेंगे नमक। बिस्मिल्लाह, नमक डालने के बाद अभी हम इसमें डाल लेंगे सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह, सब्ज मिर्च डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे। सब्ज मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया और अभी हम इसमें डाल लेते हैं पानी। 3 गिलास हमने चावल लिए थे और 4 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, पानी डालने के बाद एक दफ़ा हलाएंगे और ऊपर से ढांप देंगे ताकि पानी में जो है ज़रा जल्द उबाल आ जाए। बिस्मिल्लाह, पानी में उबाल आ गया और अभी हम देखते हैं डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाह, डालने के बाद एक दफ़ा हलाएंगे। बिस्मिल्लाह, चावल डालने के बाद अभी हम देखते ऊपर से ढांप देंगे। आंच को थोड़ा तेज रखेंगे ताकि चावलों में उबाल जो है वो ज़रा जल्द आ जाए। चावलों में उबाल आ गया और एक दफ़ा चावलों को हलाएंगे। दोबारा से चावलों को ऊपर से ढांप देंगे और आंच जो है वो नीचे से बंद कर देंगे। आंच हल्की करने के बाद तकरीबन चिकन चिल्ली पुलाव को 15 मिनट के लिए जो वो दम पे रहने देंगे। चिकन चिल्ली पुलाव को दम पे रखा 15 मिनट हो चुके हैं और अभी हम दम खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चावलों में से खुशबू जो है बहुत ही मज़े की और चावल जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निखरे निखरे से। अभी हम देखते हैं चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और अभी हम आपको ग्रीन चिकन चिल्ली पुलाव जो है वो डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह ये हमारा ग्रीन चिकन चिल्ली पुलाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। तो माशाल्लाह ये हमारा ग्रीन चिकन चिल्ली पुलाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।